प्रत्येक रविवार दिन अपराह 12-2 पर्यंत नाम संकीर्तन ओ भजन समारोह रीतिमत आयोजित होइ गत रविवार 13 तारीख दिन एही समारोह रे फाल्गुन महोत्सव पालित होइ गुरुस्ती सीएमडी गणेश प्रसाद बागाडेजी प्रत्येक तत्वावधान रे एही कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। बागाडेजी प्रत्येक दिन धार्य कार्यक्रम मध्य गोमाता रोटी बाजरा घास खुआईवा सह सहस्राधिक पारा मान दाना प्रदान करने गृहस्थी पुष्पवाटिका कुंडरे थिबा माछ ओ कइंछ आदि को खाद्य प्रदान करिबा परे गोमंदिर रे थिबा समस्त गोमाता रंग अभीर लगाई एही कार्यक्रम शुभारंभ करिथिले। भजनस्थळी रे स्थापित समस्त देवादेवी फोटो रे रंग अभीर ओ सगुण देव सह माँ अन्नपूर्णा देवी ओ अखंड ज्योति मंदिर समेत राधाकृष्ण प्रतिमूर्ति आदि भक्तिपूत अभीर रंग अर्पण करिथिले। से जने श्रेष्ठ गोमाता प्रेमी ओ गो सेवारे निजको प्राय 38 वर्ष धरे समर्पित करी केवल ओडिशा नुहे सारा भारत रे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछन्ती। भजन समारोह रे कर्णधार पंडित रवींद्र कुमार करंक समेत सामिल होइथिबा समस्त भजन गायक ओ गायिका विभिन्न वाद्य यंत्र रे थिबा कलाकार वृंद ओ सर्वोपरि उपस्थित गृहस्थी परिवार समस्त सदस्य वृंद समस्त भक्तवृंद मध्यरे होली खेल अनुष्ठित होइथिला। होली खेल नहीं समस्ते बेस उत्साहित थिबा देखिबा को मिलिथिला। एही अवसर रे आम प्रतिनिधि सीएमडी गणेश प्रसाद बागाडिया प्रतिक्रिया नहीं। गणेश प्रसाद बागाडिया सीएमडी गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। हम हर संडे को 12-2 गोमंदिर में भजन समारोह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी श्रृंखला में आज 12-2 का कार्यक्रम था। चूंकि हमारी होली 18 मार्च को है और आज इसलिए भजन के बाद यह होली का कार्यक्रम हमारे लोगों के साथ धूमधाम से मनाया गया। और इसमें आनंद की बात एक और थी कि मैं 10 मार्च को हमारे देश में जो मोदी जी आए योगी जी आए तब से ही होली का वातावरण था और वैसे भी होली आ रही है, हिंदू धर्म के सांस्कृतिक पर्व है, तो बड़ा आनंद आया। और हमारा लक्ष्य यही है कि इस गोमंदिर में भजन के माध्यम से भक्ति भाव के माध्यम से जो मेरी गृहस्थी संस्था के सदस्य हैं, जो गृहस्थी परिवार के सदस्य हैं, जो गोमंदिर के सदस्य हैं, उनके बीच हमारे प्रति संस्था के प्रति गौमाता के प्रति एक एकता लाना है, सामंजस्य लाना है और हम आगे बढ़कर यह जो मसालों की मिलावट को दूर करना है, गाय माता के दूध में जो मिलावट होती है दूध में उसको गृहस्थी डायरी के माध्यम से दूर करना है अपना उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जो भजन का कार्यक्रम यह छोटा कार्यक्रम नहीं है, मुझे लगता है मात्र 2 घंटा का कार्यक्रम। मैं खुद अनुभव करता हूं कि ये मेरे ही परिवार के मेरे ही अपने लोग सदस्य हैं और जो लोग यहां अभी गाने आए हैं बजाने आए हैं वो भी हमारी संस्था से परमानेंट जुड़े हुए हैं जो प्रतिदिन आते हैं और आ जाते हैं। तो यह परिवार की संस्था की जब मैं स्वयं में कल्पना करता हूं तो मतलब बिल्कुल मतलब खो जाता हूं कि भगवान का कृपा मानता हूं। इसी के साथ समस्त लोगों को गृहस्थी के सभी लोगों को प्रत्येक भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं मनाता हूं कि सबके जीवन में कोरोना के पश्चात अब सुख शांति समृद्धि आए और दिन दोनों रात चौगुनी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। धन्यवाद। गौ माता की जय। भारत माता की। I'm gonna make you mine।